नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आप ही की पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 का चैप्टर 3, जिसके जो कवि हैं वो हैं कुंवर नारायण जी। ये जो कवि हैं कुंवर नारायण जी, इन्होंने आपको यहाँ पर दो कविता दी गई है, छोटी छोटी कविता है। सबसे पहली जो कविता है उसका नाम है कविता के बहाने। तो कविता के बहाने जो ये कविता है, ये इन दिनों नामक काव्य संग्रह से ली गई है और इस कविता में एक यात्रा का वर्णन किया गया है। ये कविता एक यात्रा है जो कि चिड़िया से लेकर, फूलों से लेकर, बच्चों के मन में हर जगह ये यात्रा करती है, यानी कि यात्रा वृतांत के रूप में एक ये कविता लिखी गई है। तो बहुत प्यारी सी कविता है, बहुत प्यारा सा संदेश हमें ये देती है। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे कविता। सभी बच्चे ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मुझे बता सकते हैं चैट के माध्यम से। और हाँ, पाठ में कुछ कठिन शब्द भी आएंगे, आप उन्हें अंडरलाइन कर सकते हैं अगर आपके पास पाठ्य पुस्तिका है तो, और अगर नहीं है तो आप उन कठिन शब्दों को लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं कविता, कविता के बहाने। जैसा कि बार बार हम देखते हैं, कविता को पढ़ने से पहले हम कवि के जीवन परिचय को थोड़ा सा देखते हैं। हमें पता चलता है कि किस तरह का जीवन परिचय कवि का रहा है। तो इस कविता में भी हम कवि के जीवन परिचय को पहले जानेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह की भाषा शैली कवि की रही है इस कविता में। तो यहाँ पर कुंवर नारायण जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश सन 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी है, जैसे चक्रव्यूह सन 1956 में ये इन्होंने रचना की, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों ये इनके काव्य संग्रह है, आत्मजयी ये प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास ये कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले ये समीक्षा है, और मेरा साक्षात्कार ये एक सामान्य लेख है। और प्रमुख पुरस्कार, इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया। तो प्रमुख पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमार आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इस तरह कुंवर नारायण जी को बहुत सारे सम्मानों से भी नवाजा गया है। बाकी का जो इनका जीवन परिचय है, क्योंकि ये मेन चीज है, आपको कम से कम आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिस कवि को पढ़ रहे हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना आवश्यक है। तो आप जब अपने पाठ को शुरू करते हैं तो आप अपनी कॉपी में सबसे पहले पाठ का नाम, कविता का नाम डालने के बाद आप कवि के जीवन परिचय को अवश्य लिखें, बहुत जरूरी चीज है। और बाकी की जो जानकारी है, बाकी की जो डिटेल्स है, वो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई है कवि के जीवन परिचय के बारे में। आगे बढ़ते हैं, कविता शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो, मैंने बताया आपको, दो कविताएं दी गई है। सबसे पहली कविता है कविता के बहाने, जो कि मैंने आपको बताया इन दिनों नामक काव्य संग्रह से ली गई है, और दूसरी कविता है कवि बात सीधी थी पर। तो ये जो कविता है ये दूसरा कोई नहीं काव्य संग्रह में संकलित है। तो दोनों कविताओं के बारे में यहाँ पर काफी अच्छे से आपको डिटेल में बहुत सारी चीजें दी गई है। जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर आपके पास पाठ्य पुस्तिका है तो आप इस पर एक नजर डाल सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कविता, कविता के बहाने। कविता के बहाने, कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर
इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर कवि जो है, ये जो कविता है ये कुंवर, जैसे कि आपको बताया कुंवर नारायण जी ने लिखी है, और इस कविता में कविता कवि जो है वो कविताएं लिखते हैं और कविता को कल्पना की उड़ान मानते हैं। देखिए कविता जो भी कवि लिखते हैं ना, ये सचमुच कल्पनाओं की ही उड़ान होती है। आपने देखा होगा कि जो भी कवि कविता लिखते हैं उसमें चाहे वो प्रकृति का वर्णन करें, चाहे फिर पशु पक्षियों का वर्णन करें, चाहे इससे पहले हमने जस्ट इससे पहली जो कविता पढ़ी थी पतंग, जो कि आलोक धनवा जी द्वारा लिखी गई थी, इससे ठीक पहले हमने कविता पढ़ी थी, बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरी जो कविता है, क्योंकि वो पतंग के बारे में लिखी गई है, तो कवि अपनी कल्पनाओं की जो उड़ान है, अपनी कल्पनाओं को इतना ज्यादा वो अपनी कल्पनाओं को खोलते हैं, अपने मन को खोलते हैं और उस बारे में सोचते हैं और उसके बाद वो लिखते हैं। तो कवि ने यहाँ पर कविता कल्पना के उड़ान के जैसा, उन्होंने बताया है कि कविता जो है वो कल्पना के उड़ान के जैसी होती है, और ये उड़ान कैसी होती है, ये उड़ान बिल्कुल चिड़ियों की जैसी होती है। तो कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने, यहाँ पर कविता कल्पनाओं की उड़ान है और उसको क्या बहाना मिला है, उसको बहाना मिला है चिड़ियों का। ठीक है, यहाँ कविता लिखने का जो बहाना मिला है वो मिला है चिड़ियों का। वो कवि कहते हैं कि ये जो उड़ान है ये चिड़ियों की जैसी होती है, लेकिन आगे और भी पंक्ति है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। देखिए भले ही ये कविता चिड़ियों के बहाने बनती है, यानी कि चिड़ियों की कल्पना करके बनती है, लेकिन कविता की उड़ान और चिड़ियों की उड़ान में बहुत ज्यादा अंतर होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है, यानी कि कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती, चिड़िया नहीं जान सकती कि कविता की उड़ान क्या है। भीतर बाहर भीतर इस घर उस घर, वो अंतर क्या है, वो अंतर यह है कि जब चिड़िया उड़ती है तो वो सीमा में बंध कर उड़ती है, उसकी एक निश्चित सीमा होती है, और कवि कहते हैं कि कविता जो कवि है वो अपनी रचनाओं को किसी भी सीमा में बंध कर नहीं रचना चाहते, वो नहीं चाहते कि उनकी रचनाएं केवल और केवल इस घर और उस घर तक हो, यानी कि एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक। कवि कभी भी नहीं चाहते कि उनकी जो कविता है वो केवल बाहर और अंदर की कविता हो, वो अपनी कविताओं की उड़ान को बहुत ज्यादा विस्तृत करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा खोलना चाहते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि ये उड़ान भले ही चिड़ियों के जैसी हो, लेकिन चिड़िया इस उड़ान की समझ नहीं है, क्योंकि चिड़िया केवल सीमाओं में उड़ती है, सीमाओं में बंध कर उड़ती है, लेकिन कवि अपनी रचना में जो अपनी कविता में पंख लगाकर उड़ता है, उन पंखों के बारे में चिड़िया कुछ नहीं जानती, यानी कि इस घर उस घर जब उड़ती है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता को पंख लगाकर उड़ने के माने, यानी कि कविताओं में कल्पना जो होती है उसके पंखों को लगाकर उड़ने के माने, यानी कि उसका अर्थ चिड़िया क्या जाने। तो चिड़िया यहाँ पर उसके अर्थ को नहीं जानती, उसके प्रभाव को नहीं जानती। आगे की पंक्तियां हैं, कविता एक लिखना है फूलों के बहाने, कविता एक खिल कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फिर से यहाँ पर अब फूलों के विषय में बात की है, क्योंकि कवि अपने, मैंने जैसे कि बताया, कवि अपना जो टॉपिक है वो कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, कोई भी वो वस्तु ले सकते हैं जिस पर वो कविता लिखें। तो आप अब 12th क्लास में आ गए हैं, क्योंकि 6th क्लास से ही हम कविताएं पढ़ना, उनका भावार्थ जानना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छे से समझना शुरू करते हैं। अभी आप 12th में हैं, पिछले साल भी हमने आपको काफी कविताएं पढ़ाई, काफी कविताएं समझाई, तो यहाँ आप 12th क्लास तक आते आते आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो कविताएं लिखी जाती है वो
कल्पनाओं पर आधारित होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि जो सत्य चीजों पर लिखी गई हो, सत्य भी हो सकती है, लेकिन कविताएं जिन जो हमारे मन को ज्यादा भाती है वो हमारी कल्पनाओं से बनी रहती है। कवि बहुत सारी चीजों पर कल्पनाएं करते हैं कि ये ऐसी अगर ये चीज होती, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, तो इस वजह से कविता में काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है, काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। अभी हम व्याकरण का सेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे कि किस तरह कई चीजों से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, यानी कि किसी भी कविता का सौंदर्य बढ़ता है। तो ये कल्पनाएं ही हैं जो कविता को इतना ज्यादा सुंदर बनाती हैं, इतना ज्यादा प्यारा बनाती हैं। तो अब यहाँ पर अगली पंक्ति में कवि जो है, पहले कवि ने चिड़िया से तुलना की अपनी कविताओं की, अब अगली जो यहाँ पर पंक्तियां दी गई है इनमें कवि फूलों से अपनी कविताओं की तुलना कर रहे हैं। तो कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। लेकिन कविता जैसे कि एक खिलना है, यानी कि कवि अपनी कविता में जो कल्पना शक्ति होती है, कवि की जो कविता में कल्पना शक्ति होती है वह कल्पना फूलों के जैसी होती है, इतनी प्यारी होती है, फूलों के खिलने जैसी होती है। लेकिन चूंकि फूलों के खिलने की भी एक सीमा होती है, एक हद होती है, लेकिन कवि क्या कहते हैं, फूल जैसे कि कविता को लिखने में किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं रहती, फूलों के खिलने में भी एक सीमा होती है, फूलों के खिलने की भी एक एक लिमिट होती है, एक हद होती है, लेकिन कविता को लिखने की कोई भी सीमा नहीं होती। फिर से उसी पंक्ति को दोहराते हैं, कहते हैं बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने चिड़ियों के बारे में पढ़ा था कि क्या कहते हैं, कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, यानी कि कविता में जिस तरह पंख लगाकर उड़ा जा सकता है, यानी कि कल्पनाओं के जो पंख लगाकर आगे उड़ा जा सकता है उसके माने चिड़िया क्या जाने। अब यहाँ पर पुष्पों से तुलना की है, फूलों से तुलना की है, तो कहते हैं कि बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, अर्थात क्योंकि फूलों की एक निश्चित सीमा होती है, एक निश्चित दिन होता है कि आज अगर फूल खिला है तो वो 4 से 5 दिन बाद मुरझा जाता है, 4 से 5 दिन बाद जो उसकी एक आयु है वो समाप्त हो जाती है। तो कवि कहते हैं कि बिना मुरझाए, क्योंकि कविता को लिखने की, कविता के खिलने की कोई भी सीमा नहीं है, वो बिना मुरझाए हमेशा हमेशा के लिए महकती रहती है, एक बार अगर उसको लिख दिया जाए तो वो हमेशा के हमेशा के लिए अपने जो अपना जो सौंदर्य है वो बिखेरती रहती है, अपनी खुशबू जो है वो बिखेरती रहती है। तो इसके माने फूल क्या जाने, यानी कि ये इसकी तुलना फूलों से भी नहीं की जा सकती, अर्थात जैसे कि फूल सुबह खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है, कुछ फूल ऐसे होते हैं कि सुबह प्यारे से लगते हैं, खिलते हैं, लेकिन शाम के समय मुरझा जाते हैं, यानी कि एक निश्चित समय पर खिलते हैं और एक निश्चित समय के बाद मुरझा जाते हैं, अर्थात उनका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन कविता रूपी जो फूल है, ना तो वो किसी विशेष समय पर खिलते हैं और ना ही किसी विशेष समय पर समाप्त होते हैं, वो अगर हम एक बार लिख दे तो वो हजारों हजारों साल तक अपने काव्य सौंदर्य को बिखेरते रहते हैं। तो कवि ने बताया है कि फूलों की तुलना कविता के साथ नहीं की जा सकती है। आगे की पंक्तियां हैं, यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, सॉरी कविता एक खेल है। अब यहाँ पर अगली जो पंक्तियां हैं उसमें कवि कहते हैं कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो यहाँ पर अब
अभी तक कवि ने अपने फूल अपने कविताओं की तुलना की थी, अपनी कविताओं के बारे में बताया था, लेकिन अब यहाँ पर कवि अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बारे में बता रहे हैं, बच्चों के विषय में बता रहे हैं कि कविता एक खेल है। कविता को फिर अब ये बच्चों के खेल के विषय में बता रहे हैं यहाँ पर कवि कि कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर। यानी कि कविता की तुलना अब बच्चों के खेल से की है कि ये एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर। बच्चों का क्या होता है कि जिस तरह बच्चे कभी भी कुछ भी खेलने लग जाते हैं, छोटे बच्चे आपने देखे होंगे क्योंकि आप तो अभी थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, लेकिन आप देखेंगे छोटे बच्चे जो फर्स्ट से लेके फिफ्थ क्लास तक होते हैं या एट्थ क्लास तक होते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं कहीं पे भी खेलना शुरू कर देते हैं। अगर वो घर के अंदर होते हैं, उन्हें कोई छोटा सा टॉय मिल जाए वो उसी से खेलने लगते हैं, या मम्मा का दुपट्टा मिल जाए उसी से खेलने लगते हैं, पापा का फोन मिल जाए उसी से खेलने लगते हैं। कोई भी चीज, बच्चों को खेलने के लिए कोई ऐसी निश्चित चीज नहीं चाहिए क्योंकि उनका जो मन होता है वो बहुत ज्यादा कोमल होता है। तो यहाँ पर कविता की तुलना बच्चों के खेल से की है कि जिस तरह बच्चे कुछ भी खेलने लग जाते हैं उसी तरह कविता भी सीमा में बंधी नहीं होती है। यानी कि बच्चे यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने। क्या बहुत प्यारी सी पंक्ति लिखी हुई है, आप इसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए कि यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने। यहाँ तक आपको कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा कि बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं होती, बच्चे कहीं पर भी कुछ भी खेल लेते हैं, कुछ भी चीज से खेलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके मन में कोई भेदभाव कोई भी चीज का उन्हें ज्ञान इस तरह प्रॉपर नहीं होता है, पता नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है बच्चों के मन में, बच्चों का जो मन होता है वो किसी भी बिना भेदभाव के, किसी भी भेदभाव के बिना वो इस घर से उस घर में एक दूसरे के घरों में जाते हैं, एक दूसरे के घरों में खेलते हैं और बिना भेदभाव किए वो हर एक व्यक्ति से घुल मिल जाते हैं क्योंकि उन्हें अभी इस संसार की सामाजिकता का नहीं पता होता, उन्हें संसार के बारे में नहीं पता होता कि कौन, जो संसार में भेदभाव जो हमने बनाए हैं, ऊंच नीच जो हमने बनाया है, जो हमने बहुत सारे पाखंड संसार में बना लिए हैं, बहुत सारे जाति धर्मों के भेदभाव हमने इकट्ठे कर लिए हैं और भी बहुत सारी चीजें जो हमने इकट्ठी कर ली हैं, बच्चों का कोमल मन जो होता है वो इन सब चीजों को नहीं जानता। और यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, अर्थात वो सारे भेदभाव मिटाकर सबके साथ घुल मिलकर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पर कवि ने अपनी कविता की तुलना बच्चों से की है कि ठीक उसी प्रकार बिना किसी भेदभाव के सबको अपनी कविता में स्थान देकर, जो कवि होते हैं वो हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को वो कभी भी भेदभाव नहीं करते, ना वो किसी वस्तु में भेदभाव करते हैं, ना किसी व्यक्ति में भेदभाव करते हैं, ना किसी स्थान में भेदभाव करते हैं, वो हर एक चीज को अपनी कविता में स्थान देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये जो कविता है वो सब कुछ अपना लेती है, यानी कि बच्चा ही जाने, तो बच्चा ये सारी चीजें नहीं समझता है, वो अपने कोमल मन से सबको अपना लेता है। उसी तरह कवि भी कविता में हर एक व्यक्ति को, हर एक चीज को स्थान देकर सबको अपना लेते हैं। तो ये बहुत प्यारी सी कविता हमने पढ़ी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और कविता यहाँ पर कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई है, सीधी बात थी पर। तो ये पहली कविता हमारी कंप्लीट हुई, दूसरी कविता हम शुरू करेंगे। दूसरी कविता का नाम है सीधी बात थी पर। तो क्या ये सीधी बात किस बारे में बताया है? सीधी बात के बारे में यहाँ पर बताया है कि ये जो कविता है, सीधी बात थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा सी टेढ़ी पड़ गई। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं बात तो सीधी करना चाहता था, सीधी बात थी पर एक बार भाषा के चक्कर में टेढ़ी पड़ गई। कई बार ये जो कविता है इसमें कवि अपनी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं,
सीधी बात थी पर। तो मैं सीधी बात करना चाहता था लेकिन भाषा के चक्कर में वो बात टेढ़ी पड़ गई, जरा सी टेढ़ी फंस गई, अर्थात जो मेरी भाषा थी वो मेरी बात का सही अर्थ बताने में सक्षम नहीं हो पाई, मेरी बात को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाई, तो इस कारण थोड़ा सा टेढ़ी मेरी जो बात थी वो पड़ गई। बहुत प्यारी सी कविता है, बहुत अच्छी जो चीजें हैं ये हमें बताना चाहती है। यहाँ पर कवि अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, जो ये कविता है यहाँ पर कवि अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बात बहुत ज्यादा साधारण थी, बहुत ज्यादा बिल्कुल सीधी बात थी, साधारण का सीधी का अर्थ है साधारण थी, कोई बात में ऐसा कोई उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन भाषा के सही प्रयोग करने के चक्कर में मेरी बात जो है वो उलझती रही। तो कवि जो कवि यहाँ पर मानना कवि का यहाँ पर मानना है कि सही बात कहने के चक्कर में भाषा में बहुत प्रकार के मैंने बदलाव किए, कि मैं कोशिश करता रहा कि मैं सही बात बोलूं, मैंने कभी भाषा को थोड़ा सा तोड़ा, थोड़ा सा मरोड़ा, तो क्या हुआ देखिए आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं कि उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। तो जैसे कवि ने कहा कि साधारण बात थी तो भाषा के चक्कर में टेढ़ी पड़ गई, लेकिन अब उन्होंने उस बात को उसे पाने की कोशिश में कि जो मैं कहना चाहता था, जो मैं समझाना चाहता था, उसके उसको बताने की कोशिश में, उसको समझाने की कोशिश में कहते हैं मैंने अपनी भाषा को थोड़ा सा उल्टा किया, थोड़ा सा पलटा, यानी कि बात को मैंने घुमाने की कोशिश की, बात को पलटने की कोशिश की, अपनी भाषा को थोड़ा सा तोड़ा, यानी कि अपनी बातों को, अपनी भाषा को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की, थोड़ा सा मरोड़ा, फिर घुमाया, फिर फिराया, तो बात या तो बने या तो फिर भाषा के से बाहर आए। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो अपने भावों को ठीक से, अपने मन के भावों को, कवि कहते हैं कई बार आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है कि बात बहुत ज्यादा आसान होती है, बहुत ज्यादा इजी होती है, साधारण होती है, कोई भी बात में इतना बड़ा इशू नहीं होता है, लेकिन जो हमारी भाषा होती है, बोलने का जो तरीका होता है, उसमें कभी कभार गड़बड़ हो जाती है और बात का बतंगड़ बन जाता है, यानी कि बात खराब पड़ जाती है। तो कवि अब यहाँ पर यही कोशिश करने की, यह वो अपने मन के भावों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाषा के चक्कर में वो गड़बड़ हो गई, सारी चीजें उलट पुलट गई। तो यहाँ पर कवि अब उस जंजाल से मुक्त होना चाहते हैं, वो कहते हैं या तो बात बन पड़े या फिर मैं इस भाषा के जंजाल से बाहर आना चाहता हूं, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो चली। क्या हुआ कि भाषा को ठीक करते करते अब, क्योंकि कभी चाहते हैं कि मैं इस जंजाल से बाहर निकलूं, क्योंकि एक छोटी सी बात थी, एक सीधी सी बात थी जिसे मैं भाषा के कारण अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं कर पाया, अब मैं या तो ऐसा चाहता हूं कि क्लियर बात साफ हो जाए, बात क्लियर हो जाए, बात बन जाए, या फिर मैं इस सारे जंजाल से ही बाहर निकल आना चाहता हूं, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो चली। यानी कि इस भाषा तो बिगड़ी ही थी पहले से, टेढ़ी मेढ़ी ही थी, गलत ही थी, लेकिन क्या हुआ कि इस सारे चक्कर में जो बात थी वो और भी ज्यादा बिगड़ गई, और भी पेचीदा हो गई, और भी जटिल हो गई। पेचीदा का अर्थ है बहुत ज्यादा जटिल होना, तो बात और भी ज्यादा जटिल हो गई, और भी ज्यादा मुश्किल हो गई। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं, सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। कुछ बातें यहाँ पर कवि हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, कभी कभी होता है ना कि हम धैर्य, अपना जो धैर्य है वो खो देते हैं,
छोटी सी बात होती है लेकिन उसका बहुत बड़ा इशू बन जाता है, बहुत बड़ी बात बन जाती है और बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो उठती हैं। और उसका एक ही कारण होता है कि या तो हमारी भाषा और दूसरा हमारा धैर्य, जिसको हम बहुत जल्दी खो देते हैं। हम बात को पूरी तरह समझे बिना, पूरी तरह सुने बिना रिएक्ट कर देते हैं, एक्शन ले लेते हैं और यानी कि उस बात पे काम करने लगते हैं। तो कवि यहाँ पर यही कह रहे हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, ये जो सारी परेशानी खड़ी हुई थी अभी, जो मैं अपनी बातों को अभिव्यक्त करने के चक्कर में, अपनी बातों को बोलने के चक्कर में मैंने धैर्य को समझे बिना यानी कि अपने अंदर के धैर्य को खो दिया, अपने अंदर को अंदर के धैर्य को नहीं बनाए रखा और मैं पेज को खोलने के बजाय यानी कि जो मुश्किल के पेच अब उस बात पे लग चुके थे, उन पेचों को धीरे से खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला गया, यानी कि उस बात को और भी उसकी जो चूड़ी थी यानी कि उस बात की जो गांठ थी, मैं उसको और भी ज्यादा कसता चला गया, उस गांठ को और भी ज्यादा मजबूत करता चला गया। क्योंकि इस तरह के कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो क्या कवि इन पंक्तियों से कहना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। कवि कह रहे हैं कि मैं बात को धैर्य, मेरे अंदर का धैर्य खो चुका था, मैं पेज को खोलने के बजाय यानी कि बात को सुलझाने के बजाय जो गांठ पड़ चुकी थी उस गांठ को और अपनी बातों से कसे जा रहा था। और इस कर्तव्य पर जो मेरा ये कार्य था, इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी, मेरे इस कार्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी कि तमाशबीनों की शाबाशी और व्याहवा, यानी कि जब शब्दों का आडंबर पूर्ण, यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने शब्दों का जो ये आडंबर रचा हुआ था कि मैं अपनी बात को सीधी तरीके से ना कहकर बहुत सारी बातें जोड़कर तोड़कर मरोड़कर लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा था, पेश कर रहा था, तो उस समय जबकि शब्दों का आडंबर चल रहा था तो उस समय उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों यानी कि जो उसको देख रहे थे, दर्शक गण जो थे उनकी शाबाशी उन्हें उसे सुनाई दे रही थी। अतः यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरी जो उचित भाषा की जो मैं प्रयोग कर सकता था, उस उचित भाषा की के प्रयोग ना होने के कारण मुझे बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आगे क्या कहते हैं कवि, आगे कहते हैं आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब अंतिम पंक्तियों में कहते हैं आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो अभी तक क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सीधी सी छोटी सी बात थी, एक छोटा सा काम था जिसको मैं बोलना चाहता था सरल भाषा में, सरल तरीके से, लेकिन क्योंकि मैं भाषा अपने बहुत चाहता था कि मैं कुछ अच्छा बोलूं, कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करूं, तो इस भाषा के चक्कर में मेरी जो पूरी बात थी वो पूरी गड़बड़ा गई और ये बात और भी ज्यादा कठिन हो गई समझने में, समझाने में। और इस बात को समझाने के चक्कर में मेरे जो मन का जो यानी कि मैं धैर्य था, जो मैं अपने धैर्य को बनाए रखा था कि नहीं मैं कर पाऊंगा, मैं कर लूंगा, मैं अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं समझा लूंगा, लेकिन क्या हुआ कि मैं अपने उस धैर्य को खो चुका था और
पेज को खोलने के बजाय, मन में पड़ी गांठ को खोलने के बजाय उसको कसता जा रहा था। और मेरे इस करतब पर जो तमाशबीन थे, मेरे जो दर्शक थे, वो वाह वाह कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये जो चीजें थी, ये शब्दों का जो ये आडंबर मैं रच रहा था, ये बहुत अच्छा उन्हें लग रहा था और वो इसके लिए मुझे शाबाशी दे रहे थे। लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, क्योंकि कवि कहते हैं मैं इस काम को जोर जबरदस्ती से कर रहा था, क्योंकि बात तो बहुत साधारण थी। वो कहते हैं मैं इस काम को जोर जबरदस्ती से कर रहा था, तो आखिरकार वही हुआ जिसका उन्हें डर था। व्यक्तित्व को पैना करने के चक्कर में उनकी जो भाषा थी वो दुरुह हो गई, यानी कि खराब हो गई। वो अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छा दिखाना चाहते थे, अभिव्यक्ति बहुत अच्छा करना चाहते थे, मन की बात को स्पष्ट रूप से बोलना चाहते थे, लेकिन इन सभी चक्करों में उनकी जो भाषा है वो और भी ज्यादा खराब हो गई, यानी कि बात की चूड़ी मर गई। अर्थात आपने देखा होगा यहाँ पर चित्र में आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक पेज जब होती है आप उसको कसते हैं, कसते जाते हैं, कसते जाते हैं, कसते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो ज्यादा ही कस जाती है और वो टूट, उसकी जो चूड़ी होती है वो टूट जाती है और जो पेज होता है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। आप उसको किसी भी दिशा में घुमाओ, कितना भी कसो, फिर वो कसती नहीं है, वो फ्री हो जाता है, फिर वो पेज जो होता है वो किसी काम का नहीं रह जाता। तो यहाँ पर कवि भी वही कह रहे हैं कि जबरदस्ती करने के चक्कर में बात की चूड़ी मर गई, अर्थात शाब्दिक चमत्कार करने के चक्कर में, जो वो अपनी बातों में शब्दों का चमत्कार देना चाहते थे, लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते थे, तो उसी कारण उस बात की सहजता जो थी वो अब समाप्त हो चुकी थी। आखिर वो बात जो बोलना चाहते थे उसकी सहजता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी। अंत में क्या हुआ कि वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अर्थात जब मैंने कहा ना कि पेच जब हम उसको बहुत ज्यादा घुमा देते हैं, उसकी चूड़ी टूट जाती है, तो फिर वो फ्री हो जाती है, वो बिल्कुल किसी भी दिशा में घुमाओ, कितना भी कस लो, फिर वो बेकार में घूमने लगती है। तो यही कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि अंत में हार कर कवि अपनी जो उलझी हुई बात थी वो जहां पर थी, जहां पर वह थी, नहीं तो वो ना ही वो उसे छोड़ सकते थे और ना ही वो कस सकते थे, और भावों की जो दृढ़ता थी, जो गहराई थी, वो सब कुछ समाप्त हो गई थी। कोई भाव नहीं बचा था बात में, कोई सहजता नहीं बची थी, कोई दृढ़ता नहीं बची थी, जो मतलब बोलना चाहते थे मन के जो भाव थे उनका जो मेन मोटिव था वो अब सब कुछ समाप्त हो गया था। और क्या कहते हैं, हार कर मैंने उसी कील की तरह उसे उसी जगह ठोक दिया। अर्थात अब क्या कहते हैं कवि कि ये जो कवि कहते हैं, क्योंकि भाषा का यहाँ पर उनको जब उन्होंने प्रयोग करना चाहा तो उन्होंने अंत में हार कर उस बात को वहीं पर छोड़ दिया, जबरदस्ती वहीं पर छोड़ दिया, जिस तरह ये जो कील है उसको हम ठोक देते हैं उसके बाद कि चलो अब ये कस नहीं रही है तो इसको अब किसी न किसी तरह यहाँ पर ठोक ही दो, क्योंकि उसको वहां पर काम है। तो अब उन्होंने कहा कि मैंने भी अपनी बात को हार कर उसी कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। तो ये छोटी सी कविता है। इस कविता से कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? तो यहाँ पर कवि हमें इस कविता से बताना चाहते हैं कि भाषा का उचित प्रयोग करना सीखिए। अपनी जो बात है उसको देखिए, हमारे मन में कभी भी कोई भाव जो होता है वो गलत नहीं होता है। हम अगर कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी भाषा पर काम कीजिए कि आप किस तरह के, अगर देखिए कभी क्या होता है कि हम कुछ अच्छा भी बोलना चाहते हैं तो सामने वाले को बुरा लग जाता है। तो ये सारी चीजें हैं भाषा का ही प्रभाव। आखिर हम किस तरह अपने मन के भावों को उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस तरह हम अपने मन के भावों को उसे बता रहे हैं। तो यही यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि भाषा का उचित प्रयोग करना सीखिए। अच्छी भाषा में दबाव या मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ
बात करना चाहते हैं तो वहां पर शब्दों का आडंबर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सरल भाषा में भी किसी को समझा सकते हैं तो आप उसको उसी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको अपनी बात को रखने में सहूलियत होगी और सामने वाले को समझने में सहूलियत होगी। तो इस कविता का एक स्टैंजा जो है वो भी शेष रह गया है, एक पद जो है अभी यहाँ पर शेष रह गया है कि ऊपर से ठीक ठाक, ना तो उसमें कसाव था ना ही ताकत। जो ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया है कि ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ही ताकत। आप देख सकते हैं कि जो कील आपको यहाँ पर दिखाई दी थी कि ऊपर से वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन क्योंकि उसकी चूड़ी टूट गई थी तो उसमें कोई भी कसाव नहीं था। तो उसी तरह हमारी जो बात है, भले ही हम उसको बोल देंगे लेकिन उसमें कोई भी जो उस बात का महत्व था, जो दृढ़ता थी, जो उस बात में भाव थे, वो सारे समाप्त हो चुके थे। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी सीखा। तो अब यहाँ पर कवि स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं, यानी कि उनकी बात जो है वो स्वयं से प्रश्न कर रही है। जब उस बात ने, क्योंकि जब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही हैं, कवि के दिमाग में चल रही हैं, तो अब उनको पसीना आ गया है और अब वो जब पसीना पोंछ रहे हैं तो उनकी बात ने ही उनसे उसे इन्हें देखकर पूछा, एक शरारती बच्चे की तरह पूछा, क्या तुमने सहूलियत बरतना कभी सीखा नहीं, क्या भाषा को तुमने सहूलियत से बोलना कभी नहीं सीखा। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप बात में कितनी ज्यादा सहूलियत रखते हैं, कितनी ज्यादा सरसता रखते हैं। तो पाठ के से जुड़े हुए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताइए कि सब घर एक कर देने के क्या माने हैं। तो पाठ में जब मैं आपको भावार्थ एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि सब घर एक कर देने के माने यहाँ पर उस बच्चे से हैं जो कोई भेदभाव नहीं रखता है, जाति का भेदभाव नहीं रखता है, धर्म का भेदभाव नहीं रखता है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखता है, यानी कि उसके मन में कोई भी भेदभाव नहीं है। तो वो हर एक के घर में जाकर खेलता है, हर एक के घर में जाकर खा लेता है, उसके मन में कोई द्वेष की भावना नहीं है। दूसरा प्रश्न है, उड़ने और लिखने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो उड़ने और लिखने का कविता से संबंध बनता है कि जो कोई भी कविता लिखी जाती है उसका जो मेन चीज होती है वो होती है कल्पना शक्ति। आप कितनी ज्यादा कल्पना कर सकते हैं, तो यहाँ पर उड़ने का अर्थ है कल्पना करने से, और लिखना यानी कि उस कल्पना को हम किस तरह से अपने लेख में, अपनी कविता में लिख सकते हैं। बाकी भी यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न दिए हैं, क्योंकि पाठ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है, समय की हमारे पास कमी है, मैं फटाफट से एक बार प्रश्न पढ़ूंगी, कविता और बच्चे को समांतर रखने का क्या कारण हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के क्या माने हो सकते हैं। भाषा को सहूलियत बरतने के क्या अभिप्राय है। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी पड़ जाती है, कैसे। ये और बात यानी कि कथ्य के लिए नीचे दिए गए विशेषताओं का उचित बिंबों और मुहावरों से मिलान कीजिए। तो ये आज का आपका होमवर्क है, इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। आपको एक जो लिखने का तरीका है वो मैं बता चुकी हूँ, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप चैट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से आपको कविता एक्सप्लेन करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर करवा दूंगी। तो बच्चों, कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई ये दोनों कविताएं आज हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है दोनों कविताएं। अगर आपको फिर भी किसी कविता में कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है, कोई चीज समझ नहीं आई है, तो आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं। पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, तो आप सबसे पहले पाठ में जो राइटर है उनका जीवन परिचय लिखेंगे, उसके बाद आप पाठ में कविता भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और फिर आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो आज की जो ये क्लास है ये यहीं पर समाप्त होती है, मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।